हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मैगी खा ली थी बना करके बच्चों ने, मैंने भी खा ली थी। और उसके बाद अब शाम के बजे हुए हैं 7 और मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो चने की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, चने की दाल और चावल की। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक ये वाली कटोरी चने की दाल ली है भर के, और ये वाली कटोरी भर के मैंने ली है चावल। और चने की दाल को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले पानी में, और चावलों को मैंने अभी 10 मिनट पहले भिगोया है। तो और मैंने थोड़ी सी मटर भी ली है, हरी मटर। और यहाँ पर देखिए प्याज मैंने काट लिए, आलू काट लिए हैं, और टमाटर को मैंने पीस लिया है मिक्सी में। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया मिक्सी में। तो चलिए छौंक लगा लेते हैं इसका। और छौंक के लिए हमें चाहिए देसी घी। तो मसालेदानी का है, मसाले वगैरह डालने का। तो जी देखिए देसी घी डालूंगी मैं 2 चम्मच के करीब, 2 या 3 चम्मच देसी घी। और इसको ढक देते हैं अब। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा। बहुत टेस्टी लगती है खाने में चने की दाल की खिचड़ी। जब रोटी खाने का मन ना करे तो ये ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा जीरा भुन जाएगा तो हम ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे। तो जी प्याज भुन चुकी है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये टमाटर का पेस्ट। और इसके अंदर हम हल्दी नहीं डालेंगे, ठीक है। और टमाटर डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, और 1/2 चम्मच के करीब ही हम इसमें नमक डाल देंगे। और क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा है, धनिया साबुत रखा है, और उसको भून के फिर उसको पीसूंगी मैं। रोस्ट करने के बाद पीसती हूँ, क्योंकि सीलन होती है तो ढंग से पीस नहीं पाते मसाले। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को। मसाले मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी मटर भी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, चने की दाल की खिचड़ी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, कभी कभी खाई जा सकती है बना करके, जब रोटी खाने का मन ना करे तो। बहुत और भी सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड करी जा सकती हैं। तो अब इसके अंदर मैं मिला दूंगी ये अपनी चने की दाल और चावल। और इसमें डालेंगे हम अब पानी। तो क्योंकि हमने 1 कटोरी चावल लिए, 1 कटोरी दाल लिए, तो 1 कटोरी चावल बनाती हूँ तो मैं 2 कटोरी पानी डालती हूँ। तो इसमें 4 कटोरी के करीब पानी जाएगा, 2, 3 और 3.5 भी डाल सकते हैं या 4 भी डाल सकते हैं। थोड़ी लचपची सी बनेगी, और थोड़ी वैसी खानी है तो 3.5 के करीब भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 4 कटोरी डाल दूँगी। तो अब इसको कर देंगे हम बंद कुकर को, और इसके ऊपर लगा देंगे सीटी कुकर की। हम ये सीटी, और 2 सीटी में हमारी जो ये खिचड़ी है चने की दाल की, ये बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बनेगी। और चने की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए चने की दाल को कम से कम 2 घंटे पहले भिगो दो, तो वो चावलों के साथ अच्छे से गल जाती है, नहीं तो वो खड़ी खड़ी रहेगी फिर, और टेस्ट नहीं आएगा खाने में। तो जी दोस्तों, मैं बना रही हूँ मीठे में सेवैयाँ, और ये बैम्बिनो की सेवैयाँ हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे देसी घी में रोस्ट। तो थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ बस मैं, और इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है बस, बिल्कुल लाइट ब्राउन। तो ये मैंने तोड़ लिए इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसमें डाल देंगे इसको, सेवैयों को, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में सेवैयाँ। एक सीटी आई है, और ये जो देखो मैंने पैकेट ऐसे काटा था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है और यहाँ से काट दिया है। तो इसको ना हम इस तरीके से बांध के रख सकते हैं,
इसे सीलेंगे नहीं और सही रहेगा। ये देखिए ये बन गई। इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी। तो दो सीटी आ चुकी है, अब मैं इसको कर दूँगी बंद और सीटी को मतलब कि सीटी निकालूंगी नहीं, ऐसी रहने दूंगी। थोड़ी बहुत रह रही होगी तो उसी में पक जाएगी। और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, देखो कितनी जल्दी ब्राउन हो गई, तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। और इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट जाते हैं, मेरे पास इस समय बादाम अवेलेबल है तो मैं बादाम डाल रही हूँ। तो बादामों को ना बारीक बारीक काट लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो ये सेवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, भुन चुकी हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और बहुत ही ध्यान से सेवैयों को जो भूनना है ना, बहुत ध्यान से भूनना है, क्योंकि बहुत जल्दी भुन जाती हैं सेवैयाँ। और अब इस कढ़ाई में ही ना ये जो बादाम, देखो बादाम मेरे मैंने पीस लिए बारीक, वो काट लिए हैं बारीक बारीक। अब इनको भी मैं रोस्ट करूँगी थोड़े से घी में, बादाम को भी। और बादाम ना लास्ट में डलते हैं, ठीक है? कैलिफोर्निया वाले हैं ये, कैलिफोर्निया। तो देखिए फ्रेंड्स, बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, तो बादाम को भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। क्रंची हो जाते हैं बादाम। तो देखिए दूध रख दिया है मैंने गैस पे, ठीक है? और अब इसके अंदर डालूंगी मैं, ये इलायची पाउडर है। इलायचियों को ना मैं पीस के रख लेती हूँ उसके छिलके समेत, मिक्सी में मैंने पीस लिया था, जिससे कि इसका छिलका भी जो है ना वो बर्बाद ना हो, तो छिलके समेत पीस लेती हूँ। ये हमारी चाय वगैरह में, खीर में और सेवई वगैरह जो भी होता है जिसमें इलायची डाली जाती है उसमें डाल देते हैं, और छिलके का कोई वो नहीं आता। कभी आप लोग सोचो कि छिलके का वो फ्लेवर नहीं, छिलका भी इसका लाभदायक है। तो मैंने इसमें डाल दिया इलायची पाउडर थोड़ा सा। और जब हमारा ये दूध बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम ये जो सेवैयाँ हमने रोस्ट की हैं ना, ये सेवैयाँ दूध के अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर केसर भी डाल रही हूँ, केसर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दो चार रेशे हम डालेंगे केसर के, से बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा हमारी सेवैयों में और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो अभी इस वाली फ्लेम पे रख देती हूँ ये दूध, और अब हम फ्राई करेंगे पापड़, क्योंकि बच्चों को पापड़ भी खाने हैं खिचड़ी के साथ में, तो पापड़ फ्राई कर लेंगे। लज्जत पापड़ सबकी पसंद। तो मैं निकाल रही हूँ बटर पेपर, और फॉइल पेपर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो बटर पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए दूध उबल गया है दोस्तों, दूध बॉईल हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ये सेवैयाँ डाल रही हूँ। और इसको अब उबलने देंगे कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जो सेवैयाँ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी इसके अंदर, और उसके बाद ही उसके बाद चीनी डालेंगे इसमें, लास्ट में चीनी डालेंगे। और चीनी डालने के बाद इसमें डालेंगे अपने ये बादाम जो कि हमने फ्राई किए थे। तो ये मैंने पापड़ निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 5 पापड़ निकाल लिए हैं। एक और निकाल लेती हूँ। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये ऑयल, ऑयल मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि फिर जो यूज़ किया हुआ ऑयल होता है ना वो दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसकी हम कर लेंगे कटिंग, जो पापड़ लिया ना इसको देखो, ये पूरा न डालूँ मैं, ऐसे कटिंग कर लूँगी इसकी पापड़ की। ठीक है, तो इसको 4
चार हिस्सों में काट लेंगे इस तरीके से, फिर फ्राई करेंगे। इस खाने में भी इजी होगा और तलने में भी इजी रहेगा। तो सारे पापड़ में इसी तरीके से काट लूँगी। इतने हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इतने ही मैं पापड़ की कटिंग कर रही हूँ। और ये सेवैयाँ ना आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत ही स्वाद लगती हैं खाने में, एकदम लाजवाब। जब हम लद्दाख गए थे ना, तो हमें डिस्किट में हमने होटल लिया था, तो वहाँ पे बफे था, तो वहाँ पे मतलब कि ठीक अच्छा था खाना, तो वहाँ पे हमें सेवैयाँ भी मिली थी खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और सेवैयाँ ना मेरे घर में सभी को पसंद है सेवैयाँ, खीर। हरियाणा के जो लोग होते हैं ना, वो मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे हस्बैंड हरियाणा से बिलोंग करते हैं और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो उनको मीठा बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। और हमारे यहाँ तो कचौड़ी ये सब चीज़ें चलती हैं, कचौड़ी खीर पूरी, कोई मेहमान आता है ना तो हमारे यहाँ यही सब बनाया जाता है, कचौड़ी खीर पूरी। और मेरी जो मम्मी है ना, वो कचौड़ी बहुत टेस्टी बनाती हैं, हाथ से बनाती हैं, बेलन से कभी नहीं बनाती, और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनाती हैं। इतनी एज होने के बाद भी मतलब खाना वो इतना अच्छा बना लेती हैं और फटाफट तैयार कर देती हैं। तो अभी शुरू कर देते हैं हम पापड़ तलना। और देखिए सेवई भी गल चुकी हैं एकदम। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी चीनी, और चीनी ना कम डालूंगी क्योंकि कम चीनी ही सही रहती है। मैंने बताया आपको सेहत के लिए ज़्यादा चीनी खाना अच्छा नहीं है, आजकल कितनी सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आजकल पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ चल रही हैं, तो इसलिए चीनी हमेशा कम खानी चाहिए। तो क्योंकि एक चम्मच के हिसाब से डालूँगी मैं, दो तीन और आधी चम्मच और डालूँगी बस। तो 3.5 चम्मच डाली है मैंने बस चीनी इसके अंदर। और ये मतलब कि ज़्यादा चीनी इसमें अच्छी भी नहीं लगेगी, हल्की हल्की चीनी, और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, बहुत स्वादिष्ट एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ फ्राई हो चुके हैं और हमारी जो ये है सेवैयाँ वो भी बन चुकी हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बन चुकी हैं, एकदम गल चुकी हैं। तो अब इसमें लास्ट में बस एक उबाल और लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बादाम ऊपर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और अभी बजे हुए हैं सुबह के 11 और हम जा रहे हैं कैंटीन घर का कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान जो था वो ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए हम कैंटीन जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। मिठाई लाए तेरे पापा तुम्हारे लिए, और ये छोले कुलचे हैं, फोन कर रहे थे ना तुम छोले कुलचों के लिए, इसलिए। और सामान लाए घर का कैंटीन से, यहाँ पे रख देती हूँ। मम्मी चाय रख ली बेटा, चाय पी लेंगे ठीक है ना। ये कुछ सामान लेके आए कैंटीन से, घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था तो वो ले आए। मैक्रोनी वगैरह है, ब्रशेस हैं, और टूथब्रश वगैरह हैं, और हल्दी, घी, वॉशिंग मशीन का सर्फ वगैरह, तो ये सारा सामान है। सुबह गई थी और नाश्ता करते ही चले गए थे हम लोग, तो अभी बर्तन पड़े थे, बर्तन धो रही हूँ, चाय बना दे भाई, चाय पी लेंगे फिर। तो जी फ्रेंड्स, अब हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह केवल नाश्ता करके गए थे,
और साथ में पी रहे हैं चाय। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोल दिया करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।